हां पुलिस आ जाती तो जुवारी जरवन में भागत एकत बात। अरे पुलिस आ रहा है कोनो को जूता रहेगा कोनो के चप्पल रहेगी और पाछे से फेंक के डंडा दे दे रहो जा लेड़ी। लगता है गलत है मड़ाई हंसा दूसरी सो ये गलत है गलत है हाँ। मड़ाई हंसत है हंसत है हाँ, हंसना नहीं चाहिए रोना चाहिए नहीं ना रोए ना हंसे हाँ तो ठीक है बीच में रहा है। नाथ शमुधा ने भंजा ने हारा और कुतिया बढ़ गई खोल के मारा और फिर रोटी ले गई मोरी दस बारह। तुमने क्या किया? मैंने मारू फटक के बहरा। तो क्या बोली? कुटिया बोली कहीं कहीं कहीं। उसने किया क्या? रोटी धर गई जहीं की तहीं। इतना भय व्याप्त था। हाँ का अच्छा ये भी सही नहीं है। अब सही हो चाहना हो हमारी तो बुद्धि सुधर गई है थोड़ा सा सुर मिला ले। ये कौन सा सुर है? ये बकरा सुर है। शास्त्रीय पद्धति में गाओ। पता है बा कहने से कौन प्रसन्न होता है? कौन? शंकर जी। अच्छा जब भी पूजा करो तब भी शंकर जी के सामने क्योंकि जब उनके ससुर दक्ष का सिर काट दिया था तभी वो जब बकरे का सिर दे दिए तो करते थे तभी से शंकर जी प्रसन्न हो जाते। आप शास्त्रीय संगीत में सुनाएं। हैं शास्त्रीय संगीत मुख थोड़ा उस तरफ करके बस ये कहाँ चले गए थे? और हमारे नारायण भैया भी हैं साथ में। ये तो हर जगह मिल जाते हैं। नारायण भैया की ओर से ये 20 मुद्राएं हमारे लिए आई हुई हैं। नारायण भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। छूट में खूब पैसा कमा इनके छूट कब हूँ ना उठता है। थोड़ा कई भाषाओं में सुनाइए सुर मिला लूं। हाँ। सारे मोरी पदनी मगा सारे तोरी पदनी मगा। ऐसा नहीं है। सारे गामा पाधानी सा। अच्छा सारे गामा पाधानी सा मको सारे तोरी पदनी मगा। सारे गामा पाधानी सा सारे गामा पाधानी सा। इनकी व्याख्या करिए। सारे गामा पाधा निशा इनकी व्याख्या करिए। व्याख्या करने का समय नहीं मेरे पास। अरे मुझे समय से चलते हैं आप। लगाइए ना। तो कहते हैं क्या कहते हैं भैया कि किस लिए शरीर आया है? ये शरीर जिस लिए आया है वही हमें करना चाहिए। हमने किसी से वादा किया है, हमने किसी से कहा है कि हे प्रभु हम तुम्हारा भजन करेंगे, लेकिन भजन गाने की जगह लोग गजल में उठ जाते हैं। हाँ अरे राम भजन का वादा करके आया रे हो और भूल गया हरि नाम न तूने गाया रे। जकड़े होते हैं उस समय ईश्वर से प्रार्थना करता है प्रभु ये बंधन छुड़ा लो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा, मुझे इस नरक से निकालो। नौ माह गर्भ में रह कर कहता था भजन करूंगा, बंधन से छुड़ा लो स्वामी बस तुमको ही सुमरूंगा। बड़ा दुख पाया रे भूल गया हरि नाम न तूने गाया रे राम भजन का
नारी मिल गई और पुत्र मिल गया तो लोग सोचते हैं बस अपने से मतलब रखो तो बस इनका मतलब है। सब भूल जाता है, सिर्फ अपने अहंकार में खो जाता है। देखिए बहुत ही सुंदर आप लोगों ने पिंटू मिश्रा जी के द्वारा सुंदर अभिनय देखा। कुछ क्षणों के उपरांत फिर पुनः देखेंगे आप लोग पिंटू मिश्रा जी को। अभी लीजिए झांकियों में जो सर्वश्रेष्ठ झांकी है, जो जनक जी के जात के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो श्री राम जी को सीता जी के वर के रूप में देख रहे हैं, दूल्हे के वेश में देख रहे हैं। यद्यपि राम जी दूल्हा नहीं बने हैं लेकिन उनके भाव हैं कि ये सीता जी के वर हैं। जनक जाति अवलोक